Hey students, welcome to Fundo Tutor. I am your social studies educator Ayush Agarwal, and today we are back with one more one shot on biodiversity. ठीक है, so इससे पहले students हमने कई सारे one shots अभी तक cover कर लिए हैं जो कि class 10th boards को target करते हुए बनाए जा रहे हैं. ठीक है, so nationalism in Europe हो गया, nationalism in India हो गया, power sharing, federalism, resources and development, forest and wildlife वगैरह वगैरह. ठीक है, हमने ये सब discuss कर already कर लिया है. ठीक है, और अब हम अपनी MCQs की सीरीज लेकर आने वाले हैं जो कि लाइव होगी. ठीक है, नेक्स्ट वीक से वो शुरू हो जाएगी. सो इससे पहले कि हम MCQs शुरू करें, आप मैं चाहूंगा कि आप जितने भी चैप्टर्स उनको आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, ताकि मेरे साथ आप लाइव में ज्वाइन करके मुझे और आप हम दोनों आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की चैप्टर शुरू करते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, बेसिकली इस पूरे वन शॉट में मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो आपको पूरा चैप्टर का रिविजन करवाना होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर्स को एक मतलब एक आइडिया देके मैं पार नहीं करता, मैं आपको हर चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जानते हैं कि चैप्टर का सिलेबस क्या है, एग्जाम में हमें पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें पढ़नी है, फ्लोरा एंड फौना पढ़ना है, वैनिशिंग फॉरेस्ट पढ़नी है, एशियाटिक चीता के बारे में पढ़ना है और हिमालयन यू के बारे में पढ़ना है. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया हमारे जो सिलेबस है उसे हटा दिया गया है, और प्रोजेक्ट टाइगर भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है. ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है और कम्युनिटी कंजर्वेशन है. तो ये हमारा चैप्टर का सिलेबस है, तो आज हम इसे कवर करेंगे पूरी तरीके से. ठीक है, सो थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि वन शॉट है, सारे चैप्टर रिविजन करवाने हैं, तो मेरे साथ बने रहना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है रिच फ्लोरा एंड फौना. अब ये फ्लोरा एंड फौना क्या है, बेसिकली फ्लोरा जो है वो प्लांट स्पीसीज, जैसे फ्लोरा का मतलब देखो आप फ्लोरा से किससे मिलता है, फ्लावर से मिलता है. ठीक है, एक फ्लावर अगर देखते हो तो फ्लोरा वर्ड सिमिलर है, तो इससे आप ध्यान रखोगे कि फ्लोरा जो है वो प्लांट स्पीसीज को रेफर किया जाता है और फौना जो है फौना हो गया एनिमल्स को. ठीक है, फ्लोरा एंड फौना में फ्लोरा जो है वो प्लांट स्पीसीज और फौना जो है वो वाइल्ड लाइफ को. ठीक है, इन दिस डाइवर्सिटी स्पीसीज विद डाइवर्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस लिव टुगेदर. मतलब बायोडाइवर्सिटी और बेसिकली क्या है ना कि ये जो है ये एक तरह से बात करें तो एक तरह से ये एक रूम है, इसको एक घर मान लो. इस घर में कई सारे तरह के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं और कई सारे तरह के एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, और इस घर में सब कोई साथ रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी आसान भाषा में. ठीक है, सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. डिस्पाइट हैविंग डाइवर्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस दीज स्पीसीज आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क और इंटरडिपेंडेंसीज. मतलब एक तो ये लोग साथ रहते ही हैं. अब मान लो आप लोग घर में साथ रहते हो तो आप लोगों जो आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली आपके घर में एक साथ रहती है, तो आपकी फैमिली के बीच में, आपकी फैमिली में आपके फादर है, मदर है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, आप हो, तो आप सबके बीच में एक कनेक्शन है. ठीक है, एक कनेक्शन है आप सबके बीच में. मम्मी से आप कुछ 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 भी चीज़ मांग लेते हो, पापा से कुछ भी मांगते हो, मम्मी को कुछ देते हो गिफ्ट तो पापा को कुछ गिफ्ट देते हो, तो इस तरह से हमारे बीच में कनेक्शन रहता है. ठीक है, तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि एक बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा फौना के बीच में कनेक्टिविटी रहती है, बहुत बहुत तरह के कनेक्शंस होते हैं और इंटरडिपेंडेंसीज. मतलब जैसे सपोज करो मैं अपने फादर पर डिपेंडेंट हूँ. ठीक है, आप भी अपने फादर या मदर पर डिपेंडेंट होंगे. ठीक है, उसके बाद आपके फादर किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होंगे, तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पर. ठीक है, और मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है. ये चीज़ें आगे और क्लियर होती जाएंगी, फिलहाल बायोडाइवर्सिटी का आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या होता है. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, जो इंडिया में है, इंडिया में कई तरह के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं. ठीक है, इतने सारे हैं कि मतलब आप डेली न्यूज में आता है तो आप अगर न्यूज चेक करोगे तो मिलते रहेगा, और एनिमल्स भी कई सारे इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. आप देखते हो ग्रीनरी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ. ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब कि टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करें, टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज्यादा है. ठीक है, इंडिया हैज अ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नोन इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, किस तरह के प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उसकी कुछ कैटेगरीज हैं. ठीक है, पहली होती है नॉर्मल स्पीसीज. अब ये क्या होता है, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, सैल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, देखो
ऐसी स्पीसीज जिसका पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल मतलब जितना उसका पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो नॉर्मल है। जैसे कैटल, कैटल में क्या आता है, काओ बफल्लो हम लोग देखते रहते हैं, काओ बफल्लो तो डेली रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं, ठीक है। साल, साल बेसिकली ट्री का नाम है, साल इज अ ट्री, ठीक है। पाइन भी ट्री का नाम है। रोडेंट्स मतलब होते हैं चूहे, ठीक है, रैट्स वगैरह जो होते हैं उनको रोडेंट्स में रोडेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनकी पॉपुलेशन इनफ है इनके सर्वाइवल के लिए, मतलब ये डेंजर में नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते। एक्सटिंक्ट का मतलब था खत्म हो जाना, एक खत्म होने के टाइम मतलब कि उस लेवल पर भी नहीं है। इनकी प्रजाति जो है नॉर्मल है, इनकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, सर्वाइवल के लिए अच्छी है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पीसीज मैंने आपको बता दिया, अब देखते हैं इसको। जिस स्पीसीज जो हाई रिस्क ऑफ बींग एक्सटिंक्ट बिकॉज दे आर फ्यू इन नंबर, मतलब देखो मान लो सपोज करो आज के टाइम पे काउज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आज के टाइम पे कैटल बहुत ज्यादा है, या फिर आज के टाइम पे रैट्स बहुत ज्यादा है। तो ये रैट्स सपोज करो आने वाले 20-30 साल में, 50 साल में रैट्स की संख्या बहुत कम हो जाए, तो वो नॉर्मल स्पीसीज से एंडेंजर्ड स्पीसीज में जंप कर जाएंगे। इस कैटेगरी में फिर हमको, हम उनको काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक्सटिंक्ट होने के कारण पे आ गए, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन टाइम टू टाइम घटती जा रही है। आज के टाइम से लेकर अगर कंपेयर करें 30 साल आगे के टाइम को, तो आज इतनी ज्यादा थी, कल 30 साल बाद इतनी कम हो गई, मतलब ये कम हो रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एंडेंजर स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो गायब हो जाएंगे, जो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, चेंजिंग एनवायरमेंट, रोडेंट्स रैट्स किस भी देते हैं, खाने पीने इनको नहीं मिलेगा, या फिर जिस क्लाइमेट में, जिस कंडीशन में वो जीवित रह सकते हैं, उस वो कंडीशन नहीं रहेगी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई या गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ होती है। या फिर प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब होता है जो लोग अटैकर्स होते हैं। अब रैट्स वगैरह का कौन मारता है, जो हॉक्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं, ये सब अटैक करते हैं, ठीक है, रैट्स पे, या स्नेक्स होते हैं, ये लोग अटैक करते हैं रैट्स पे। तो ये लोग का जब अटैक बढ़ जाएगा, तो उस या उन लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो रैट्स खत्म हो जाएंगे। बेसिकली यार देखो, बायोडाइवर्सिटी में ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी पार्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, किसी के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर दूसरे दूसरे जो पार्ट है उसको दिक्कत होगा, ठीक है। फूड चेन जो बनती है, फूड चेन इसी तरह से बनती है। फूड चेन में अगर कहीं भी कोई भी जो पार्ट है वो ज़्यादा हो गया, तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएंगे, तो रैट्स की संख्या घट जाएगी, ठीक है। यही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक, ठीक है, आज के टाइम पर ब्लैक बक हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैक, ठीक है, और संगा, ये सब कुछ जो स्पीसीज है, ये सब एनिमल्स है। तो ये एनिमल्स जो है ये अब एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब इनकी संख्या जो है कम हो चुकी है। नाउ विल टॉक अबाउट वल्नरेबल स्पीसीज। तो स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन दिन पर दिन घटती जा रही है, ठीक है, और फेसिंग अ रिस्क ऑफ मूविंग इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी। बेसिकली नॉर्मल स्पीसीज की जो बात करते हैं हम, नॉर्मल स्पीसीज से, नॉर्मल स्पीसीज जो स्पीसीज है वो एंटर करती है कहाँ पे, वल्नरेबल में, मतलब वो एंडेंजर्ड में जाने वाली है। और यहाँ से जब कोई स्पीसीज जाती है तो वो एंडेंजर्ड में काउंट होती है, ठीक है, और उसके बाद एक्सटिंक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मतलब वो विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन फेज है, नॉर्मल, वल्नरेबल और एंडेंजर्ड, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कौन कौन है, ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो मतलब बेसिकली गंगेज में रहती है, इसलिए इसको गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट रेयर स्पीसीज, ठीक है। रेयर से, रेयर सबसे क्या समझ में आता है आपको, कि जो चीज मतलब कभी कभार देखने को मिलती है, रेयर है, ठीक है। स्पीसीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन आर रेयर, इसका पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है। दीज कैन बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। ये लोग, अब देखो रेयर स्पीसीज की भाई पहले से पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, ये लोग कम नहीं हो गए, इनकी पॉपुलेशन पहले से कम है, ये पहले से बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये पहले से कम है, और अगर नेगेटिव फैक्टर जैसे क्लाइमेट वगैरह हो गया, अटैकर्स हो गए, ये लोग बार बार मतलब बढ़ते जाएंगे इनके अटैक्स वगैरह, ठीक है, जो पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो क्या होगा कि एक टाइम पे होगा कि ये भी गायब हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे, फिर बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इसके एग्जांपल की बात करें तो हिमालयन ब्राउन बियर के साथ अभी यही हो रहा है, इन पे बहुत सारा अटैक हो रहा है, वाइल्ड एसेटिक बफल्लो है, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। ध्यान से देखना मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं सब चीज को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फाउंड हो, ठीक है, ड्यू टू देयर नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। मतलब देखो यार, पोलर बियर आप लोग जानते हो, पोलर बियर क्या है, वाइट रंग का होता है, ठीक है, उसके ऊपर फर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ मतलब ठंडी जगहों पे मिलेगा, ठीक है, जो जगह बहुत ज्यादा ठंडी है, ग्लेशियर्स वगैरह, वहां पे आपको पोलर बियर मिलता है। आपको पोलर बियर राजस्थान में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, यूपी में नहीं मिलेगा, ठीक है, चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा, वो ठंडी जगहों पे मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल जो उसका क्लाइमेट है जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है वो वही है, इसलिए उसके ऊपर इतना फर दिया होता है, नेचुरली उसको इतना फर मिला हुआ है ताकि वो वहां सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से एंडेमिक स्पीसी वो स्पीसीज होती है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करती है, हर जगह नहीं पाई जाती है, ठीक है, ज्योग्राफिकल बैरियर और नेचुरल बैरियर के कारण, ठीक है। जैसे मैं आपको पोलर बियर का एग्जांपल दिया, इसका एग्जांपल मिथुन। मिथुन क्या है? एक वैरायटी ऑफ कैटल है जो कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है, ठीक है। अंडमान वाइल्ड पिग सिर्फ अंडमान में मिलता होगा। निकोबार पिजन है जो सिर्फ निकोबार में मिलता है। अंडमान टील, ठीक है, टील। तो ये सब चीजें क्या है कि पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, सारी जगह नहीं मिलती, इन्हीं को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटिंक्ट की। तो हमने बात किया सबसे पहले नॉर्मल, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, रेयर, और फिर हमने बात किया एंडेमिक की। अब हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट की, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं स्पीसीज, जो अब नहीं मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। जहां पे उनको मिलना चाहिए, मतलब सपोज करो पोलर बियर ग्लेशियर में पोलर बियर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, पूरा ग्लेशियर और जो ठंडा इलाका में सर्च कर बटे भी पोलर बियर के नामो निशान नहीं है, ठीक है, या फिर गंगटी डॉल्फिन अब नहीं मिलती है, बहुत ढूंढा गया नहीं मिलती है, तो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब गायब हो गए, उनका जो प्रजाति है वो खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। इसमें से देखो इसका एग्जांपल अगर बात करें तो एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, पहले ये मिलते थे एशियाटिक चीता, अब ये चीता नहीं मिलते, इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूज में या अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ चीता को मतलब साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया इंडिया में, ठीक है, और अभी वो नेशनल पार्क में है, ठीक है, ताकि हम जो इंडिया है उसमें हम लोग चीता का जो मतलब ग्रोथ है उसको बढ़ा सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। पिंक हेड डक भी एक आता था पहले, वो भी अब नहीं मिलता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। कीवी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, एक बर्ड थी कीवी, ठीक है, इस टाइम पे डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट आता है, ठीक है, कि अभी तक हमने जो पढ़ा आपने कितना समझा उस चीज़ को, उसको हम चेक करते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स, प्लांट स्पीसीज। नेम एन एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन अभी आपको दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है, जो भी उसका जो टॉप 10 लोग होंगे जो उसका आंसर करेंगे उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे अपने लीडर बोर्ड में, ठीक है। इन विच कैटेगरी वुड यू पुट अ स्पीसीज विच इज फाउंड इन द एरिया दैट इज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का। टॉप 10 लोग जो आंसर देंगे उनको फीचर किया जाएगा ना मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नेम द स्पीसीज एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की एंडेमिक स्पीसीज का नाम क्या है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर को ध्यान से सुना करो, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि फ्लोरा एंड फौना का डिप्लेशन कैसे होता है, क्यों, कैसे वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म नेचर फॉर ऑब्टेनिंग रिसोर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक वुड, बार्क, लीव्स। मतलब इसका क्या है, जब मैंने आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ाया तो मैंने आपको वहां पे बताया था, ठीक है, कि ह्यूमंस जो है वो नेचर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसोर्सेज को लेते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उस तरीके से कि हम वहां से रिसोर्सेज निकाल सके हम ह्यूमंस, ठीक है। तो जैसे माइनिंग वगैरह हम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं ताकि हम कोल निकाल सके और भी जो जो आयरन ओर्स वगैरह तो उसको निकाल सके, ये सब चीजें हम करते हैं, ठीक है। तो इससे काफी फ्लोरा फौना को डिस्टर्बेंस होता है। मैंने आपको उसमें बताया है रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरह से जो है एनवायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। डिप्लेशन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट खत्म होता है तो उससे भी वाइल्ड लाइफ खत्म होती है। फॉरेस्ट खत्म होने के क्या कारण हो सकते हैं, हम अगर कोई डैम बिल्ड कर सॉरी डैम नहीं ब्रिजेस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं तो हम फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है, हाईवेज बनाते हैं तो फॉरेस्ट काट देते हैं, तो बहुत सारे रीजन था फॉरेस्ट काटने का, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो इस सबसे वाइल्ड लाइफ भी खतरे में आ जाती है, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ, अब देखो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे खत्म होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
कुछ मेन फैक्टर्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब ये है जब ब्रिटिश राज इंडिया में था, ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने रेलवे नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन किया था, रेलवे बनाई थी ब्रिटिश ने, ठीक है। और एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह को बढ़ाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। देखो, कमर्शियल एक्टिविटी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, तो इस सबसे क्या होता है कि एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है, ठीक है। रेलवे नेटवर्क वगैरह से इसको इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा तब ना रेलवे क्रॉस कर पाएगी, तो इस तरह से चीज़ों को एक्सपैंड किया गया। इससे बहुत डैमेज हुआ इंडियन फॉरेस्ट को, ठीक है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ स्पीसीज के ग्रोथ को प्रमोट किया विच वॉज टर्म्ड एज एनरिचमेंट प्लांटेशन। अब यहाँ पे जो ये टर्म आया है एनरिचमेंट प्लांटेशन, इसका मतलब क्या है? बेसिकली एनरिचमेंट प्लांटेशन अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसी वर एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसी वेर एलिमिनेटेड। इसका मतलब देखो क्या, जब भी बात आएगी कमर्शियल, जब एक वर्ड आता है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस से जुड़ा होता है कमर्शियल शब्द, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एनरिचमेंट प्लांटेशन में कि एक स्पीसीज जो उसका बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज जिसका बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है, उस स्पीसीज को ग्रो करने पे ज़्यादा ध्यान देना और बाकी सारे स्पीसीज पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसके ये यहाँ पे कहने का एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब क्या है, ब्रिटिश के टाइम पे आपको याद होगा कि इंडिगो प्लांटेशन बहुत बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है इंडिगो को जो प्लांटेशन इंडिया में करवाते थे और इंडिया से इंडिगो को ले जाते थे वापस से अपनी जगह पे, ठीक है। और वहाँ पे ब्रिटिश क्या करती थी, इस इंडिगो को यूज़ करती थी मतलब कपड़े वगैरह बनाने में और वापस से इंडिया को बेचती थी, ठीक है। तो ये ब्रिटिश करती थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने इंडिगो प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और बाकी सारे जो प्लांटेशन था जो क्रॉप्स उगते थे इंडिया में उसको रोक दिया गया। तो इसको बोलते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर क्रॉप जिस जो कमर्शियल पर्पज कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल है उसको आप उसके प्रोडक्शन पर आप ज़्यादा फोकस करते हो और बाकी सारे पर फोकस करना छोड़ देते हो, ठीक है। ये चीज़ होती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ईजी सी चीज़ है यार। नाउ विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो आप बोलोगे सर कि एग्रीकल्चर से कैसे फॉरेस्ट डिप्लीशन हो सकता है या वाइल्ड लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी तो खेती ही है, वो तो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका था 1951 से 1980 के बीच में, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया था, मतलब जो फॉरेस्ट था वो एग्रीकल्चरल लैंड बन गया, मतलब फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे खेती किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो अब उस जो इतने बड़े एरिया में कितने सारे जानवर होंगे, कितने सारे प्लांट स्पीसीज होंगे, उनका क्या हुआ, वो बर्बाद हो गए, उनको भागना पड़ा होगा वहाँ से कहीं पे, ठीक है। प्लांट तो भाग नहीं सकते, प्लांट खत्म हो गए, स्पीसीज खत्म हो गई प्लांट की, एनिमल्स जो भाग सके होंगे वो भागे होंगे, बाकी सब तो जानते ही हैं, किसी का बहुत लोग का डेथ भी हो गया होगा, तो इस तरह से भी ये सब चीज़ें खत्म होती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो यार, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और यहाँ पे एक स्लैश लगा दो, ये झूम कल्टीवेशन इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि आपने क्रॉपिंग की, क्रॉपिंग करने के बाद आप क्या करते हो, जब आप हार्वेस्टिंग करते हो, जब आप क्रॉप्स को हटा लेते हो, तो छोटा छोटा आप देखते होगे कि जब खेत जाते होगे तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सा मतलब कि उसका जो स्टेम होता है वो बच जाता है ज़मीन पे, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर, क्योंकि हम जड़ से नहीं निकालते हैं, हम उसको काटते हैं नीचे से, ठीक है। तो काटने के बाद जो छोटे छोटे जो स्टेम होता है वो ज़मीन में बच जाता है, तो क्या किया जाता है कि उसमें उसको उसमें आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है ताकि वो जल जाए, ठीक है। और जलने के बाद उसमें वापस से उसमें क्रॉप एग्रीकल्चर किया जाता है, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यार इससे क्या होता है ना, इससे जो सॉयल है वो अपना न्यूट्रिशन खो देता है, ठीक है। ये जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक है, इससे क्या होता है, जो सॉयल अपना न्यूट्रिशन खो देता है, ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है और ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती, फिर एक टाइम आकर ये बंजर हो जाएगी, वहाँ पे कुछ नहीं उगेगा, ठीक है। तो इससे भी बहुत नुकसान होता है मतलब कि लैंड वगैरह को, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़। नाउ विल टॉक अबाउट लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब हम बिल्ड करते हैं कोई चीज़, जैसे हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें बनाते हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह को बहुत नुकसान पहुंचता है, फॉरेस्ट वगैरह को काटा जाता है, क्योंकि बिना काटे पॉसिबल नहीं है, अब फ्लाईओवर्स बनाओ या फिर हाईवेज बनाओ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है, जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाते हैं, डैम वगैरह जब बनता है, ठीक है, तो इससे भी बहुत नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है,
जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो बना मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसने 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया था उसको उसने कब्जा कर लिया उस पर, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को कवर किया गया था। सोच लो कितना फॉरेस्ट एरिया मतलब यूज हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। तो उसमें जो एनिमल्स है, स्पीसीज है, वो भी परेशान हुए, ठीक है। इससे भी डिप्लेशन होता है। माइनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, माइनिंग से कैसे परेशानी होती है। माइनिंग जो है उसके कारण हम जमीन को डिग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ताकि हमें उस इस होप में कि हमें कोल वगैरह या फिर जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए। तो उसके कारण क्या होता है कि हम उससे उसके अंदर से कोल वगैरह निकाल लेते हैं, जो भी हमें निकालना होता है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं माइनिंग करके, फिर हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक टाइम के बाद वो क्या होता है, क्योंकि देखो जमीन, ये जो जमीन है, ठीक है, ये जो लैंड है इसके नीचे से हम माइनिंग की, ठीक है, इसके नीचे से हम जो माइनिंग की, तो यहाँ पे जो जो भी कुछ था आयरन और जो भी था नेचुरल रिसोर्स, वो तो खत्म हो गया, हमने तो निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वैकेंट, ये तो खाली हो गया, ठीक है। अब खाली होने की वजह से ये जमीन, एक अब इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहता, तो एक दिन क्या होगा कि ये जमीन जो है वो नीचे गिर जाएगी, ये कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए माइनिंग भी बहुत हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन की। इसका मतलब ये है, देखो यार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग भी अच्छी बात नहीं है। सपोज करो कि आप चरवाहे हो, आप किसी पर्टिकुलर जगह पे अपने जानवरों को ले जाते हो चराने, मतलब कि चरने के लिए या ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम मतलब रेगुलरली वहीं जाते हो, तो एक टाइम होगा जब वहाँ पे जो जो भी कुछ जो होगा प्लांट्स वगैरह वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसकी तो इसलिए ग्रेजिंग भी, ओवर ग्रेजिंग भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको जगह चेंज करनी चाहिए टाइम टू टाइम। फ्यूल वुड कलेक्शन, फ्यूल वुड के लिए आप देखते होंगे कि ट्राइबल जो पीपल होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा वुड्स को यूज़ करते हैं आग वाग जलाने के लिए, ठीक है। तो उसको फ्यूल वुड बोलते हैं, ठीक है। वो चूल्हा वगैरह जो जलता था पहले, हम जानते हैं कि लकड़ी जलता था, ठीक है, तो वो सब के लिए। तो फ्यूल वुड कलेक्शन से भी इसका डिप्लेशन होता है। इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, इसका भी देखो रैपिड एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी का मतलब है कि नई नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप करना। तो इन सबसे भी क्या, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होगी, हवा में तो होगी नहीं, जमीन चाहिए। अब जमीन पे पहले से लोग रह रहे हैं तो वहां पे तो आप सेटअप कर नहीं सकते। तो जहां पे लोग नहीं है, यानी जो फॉरेस्ट एरिया है वहीं पे तो आप बनाओगे ना, रिवर एरिया है वहीं पे तो आप बनाओगे ना। तो इसलिए भी इससे भी डिप्लेशन होता है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, जैसे जैसे देखते जाओ, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, तो लोग कहाँ रहेंगे यार, जगह तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ थोड़े कि जिसका नया पॉपुलेशन आया वो यहाँ रहने लगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जहाँ पे लोग नहीं रह रहे वहाँ जाएगा, तो लोग कहाँ रह रहे, जहाँ फॉरेस्ट एरिया। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, और फॉरेस्ट जो है उसको खत्म करके लोग वहाँ घर सोसाइटी वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही है। अब तो इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया पूरे वर्ल्ड में, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देख सकते हो इससे भी डिप्लेशन होता है फॉरेस्ट का, ठीक है। फिर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट और एनिमल स्पीसीज रहते हैं, तो कैसे इनका डिक्लाइन होता है, इनका हैबिटेट अगर डिस्ट्रक्ट हो जाए, मैंने आपको बताया अगर फॉरेस्ट वगैरह खत्म हो जाएगा तो लोग जानवर कहाँ रहेंगे, शहरों में रहेंगे नहीं, शहरों में रहेंगे तो हम भगा देंगे उनको, ठीक है। हम भी नहीं चाहते कि जानवर यहाँ पे रहें, वाइल्ड एनिमल्स। तो हैबिटेट इनका खराब, हैबिटेट मतलब जहाँ ये रहते हैं वो जगह खत्म हो जाए, हंटिंग हो, बहुत ज़्यादा हमला हो इन पे तब, ठीक है, क्योंकि हमला करेंगे तो मर जाएंगे। पोचिंग भी उसका मतलब होता है कि उनको पकड़ के बेच देना, स्मगलिंग करना जानवरों की, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉटेशन, बहुत ज़्यादा मतलब उनको परेशान करना जानवरों को या स्पीसीज को। एनवायरमेंटल पोल्यूट करना, एनवायरमेंट को पोल्यूट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें। पॉइजनिंग करना, फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है यार जब अचानक देखते हो ना कि फॉरेस्ट में आग लग गई, ठीक है, अचानक से फॉरेस्ट जलने लगता है। तो ये सब चीज़ों से भी बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, बहुत प्लांट स्पीसीज मर जाते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो जिसके कारण इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खराब हो रही है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से, मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ दूसरे फैक्टर्स क्या है, अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट वेलबींग और अदर कॉज। मतलब देखो, सारे लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, आज हमारे घर में गैस है, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक गैस की सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई, तो इसलिए वो फायरवुड यूज करते हैं फ्यूल के लिए। क्या करेंगे, खाना तो बनाना है ना भाई, कैसे बनाएंगे, तो इसलिए वो लकड़ियों को यूज़ करते हैं, पेड़ों की लकड़ियों को काटते हैं इस रीज़न से, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो उन चीज़ों को जिनको आज हम और आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इनइक्विटेबल कंजम्पशन रिसोर्सेज,
आज हम जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, हम ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं हमारे हमारे इंडिया में जो लोग इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसी कारण भी डिप्लेशन होता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, तो फिर वो फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं, जो चीज़ फॉरेस्ट से मिल सकती है उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का मतलब होता है कि सपोज कीजिए मैं ठीक कर रहा हूँ, आप खराब किए जा रहे हैं, ठीक है, तो हर इंसान को अपने में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तरफ से हम आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो लोग खराब कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ये सब भी कुछ कारण है जिससे डिप्लेशन होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन। देखो अभी हमने बात की कि फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का अगर डिप्लेशन हो जाए, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके खत्म होने से ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, जो मतलब कि दिक्कत होगी, ठीक है। देखो पहली बात पॉवर्टी, डिप्लेशन अगर होता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाते हैं तो इसके कारण पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी छा सकती है। अब गरीबी सर, जंगल खत्म होगा तो गरीबी कैसे हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है, गरीबी का जंगल से क्या लेना देना, ठीक है। जो लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यानी बहुत लोग, अब देखोगे यार, देखिए जो आप जब आप किसी मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है उस क्षेत्र में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत लोग रोड साइड में बैठे रहते हैं, वो लोग फॉरेस्ट के जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो सब बेचते हैं, फॉरेस्ट के कुछ कुछ जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो सब बेचते हैं, लकड़ियाँ बेचते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आप देखोगे, ठीक है। तो जो लोग वो सब उन सबसे उनका घर चलता है यार, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहते हैं, उनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, वो उनका यही ऑक्यूपेशन है, वो यही करते हैं। और हम लोग जब देखते हैं, हम लोग जब उन रोड से पास करते हैं तो हम उनको खरीदते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें शहरों में नहीं मिलती है, ठीक है। तो यार उनसे इनका घर चलता है, तो आप नोटिस, तो अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो वो लोग फिर कैसे उनका मतलब घर वगैरह जो चलता है वो कैसे चलेगा, ठीक है। एक ये चीज़ है ना, एक ये चीज़ सोच के देखो, ठीक है। द सोर्स ऑफ अर्निंग डिस्ट्रॉयड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है यार, वो फॉरेस्ट खत्म होगा तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, ठीक है, जो ऐसी कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से, मैंने आपको बताया, ठीक है, वो लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन। देखो देर आर मेनी नेचुरल कैलामिटीज दैट ऑकर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। जब आप फॉरेस्ट जब जब आप फॉरेस्ट खत्म होता है ना, जब फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन से या फिर किसी रीजन से फॉरेस्ट फॉरेस्ट को काटा जाता है, खत्म किया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारा नेचुरल कलामिटी होता है। नेचुरल कलामिटी में क्या क्या आता है, अर्थक्वेक, फेमीन, सॉरी फेमीन, अर्थक्वेक, सुनामी एंड ऑल, साइक्लोन एंड ऑल, ठीक है, ये सब नेचुरल कलामिटी है, ठीक है। तो नेचुरल कलामिटीज आता है, अर्थक्वेक बहुत मेजर चीज़ है जो फॉरेस्ट खत्म होने की वजह से आता है, ठीक है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, देखो फॉरेस्ट क्या करता है ना, जब जब आप कोई पेड़ देखते हो, ठीक है, जब आप कोई पेड़ देखते हो तो आप सिर्फ उसको ऊपर से देखते हो, नीचे क्या होता है, जमीन के अंदर बॉस ये पेड़ जो है ना, इसकी जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं कि जो सॉइल होता है उसको पकड़ी रहती हैं, ठीक है। ये सॉइल को ऐसे, जैसे हाथ कैसे हैं हमारे, हम हाथ से किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो इस तरह से सॉइल को ये पकड़ी रहती है, ठीक है। बट अगर इस जो हाथ है इसको हटा दे, इसको अगर अगर मान लो कि हम, मैं ये चीज़ आज अभी मैं कप पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अगर इन दोनों हाथ को मैं यहाँ से हटा दूँ, ऐसे छोड़ दूँ, तो कप गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सेम बिल्कुल वैसे ही अगर पेड़ों को काट दिया जाता है तो ये सॉइल, ये रूट जो है वो छूट जाते हैं और सॉइल जो है वो ढीली हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, लैंड खराब होती है। और लैंड जब शिफ्ट होती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, मतलब कि लैंड की जो जो पहले से जो लैंड की क्वालिटी थी वो खराब हो जाती है, फ्लड्स आते हैं, ठीक है, जो पानी जो है सी से बहुत ज़्यादा निकल के जो जब आ जाता है सिटीज में, उसको बोलते हैं फ्लड्स, तो फ्लड्स आ जाते हैं इसके कारण, ठीक है। तो ये सब जियोग्राफिकल कंडीशंस है, ठीक है। नाउ हम लोग चेक पॉइंट टू पे पहुंच चुके हैं, अब जानते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा उसके पे आपको कितना याद है, ठीक है। इन डैश प्लांटेशन ऑफ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज वर एलिमिनेटेड, मैंने आपको बताया एनरिचमेंट प्लांटेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन किस टाइप इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। नेम एनी टू टाइप टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम लोग झूम कल्टिवेशन बोलते हैं या फिर स्लैश एंड बर्न टाइप बोलते हैं, ठीक है। दो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का नाम बताइए, अपने मन से सोच के देखिए, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, कौन सा बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी
टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कितनी तरह के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। द फॉरेस्ट जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट जिस फॉरेस्ट को ओन करती है, ठीक है, बेसिकली पूरा इंडिया की जो जमीन है वो गवर्नमेंट की अंदर ही है। इन अगर आप उसको अगर वो आपके अंदर नहीं, मतलब अगर उसको कोई ओन नहीं करता तो वो गवर्नमेंट के अंदर होती है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट है वो भी गवर्नमेंट की एंटिटी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। बट द लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल वुड, ग्रेजिंग देयर कैटल। ठीक है, देखो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट, लेकिन लोकल जो पीपल है, मैंने आपको बताया जो ट्राइबल पीपल होते हैं या फिर जो फॉरेस्ट के आसपास लोग जो लोग रहते हैं जिनका घर फॉरेस्ट से चलता है, तो उन लोगों को अलाउ होता है कि भैया आप फ्यूल वुड वहाँ से जो छोटी जो आप डेली मरा की थोड़ी मोटी लकड़ियाँ लेते हो वो आप ले सकते हो, अपनी जो जानवर है उसको वहाँ पे चरा सकते हो, कैटल वगैरह को, ठीक है, विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज। लेकिन आप कोई सीरियस डैमेज फॉरेस्ट को नहीं करोगे, ये नहीं इसका पेड़ मतलब फ्यूल वुड को काटने को बोला इसका मतलब ये नहीं आप पेड़ काट के ले जा रहे हो। ठीक है, कल को आप पेड़ काट के ले जा रहे हो उसको बेच दे रहे हो बाहर जाके, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो लगभग 1/3 है टोटल फॉरेस्ट एरिया के। ठीक है, मतलब अगर टोटल फॉरेस्ट का एरिया 10 है, 30 है, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनका एरिया 10 है उसमें से। ठीक है, इस तरह से तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट समझ गया जो उसको गवर्नमेंट ओन करती है। हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इन सब जगहों पर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये सब एरिया है। ठीक है, 2 से 3 याद कर लो, एग्जाम में एग्जाम्पल देने के काम आएंगे। ठीक है, एक आप बिहार याद कर लो, ठीक है, एक आप याद कर लो पंजाब, और एक आप याद कर लो हरियाणा। ठीक है, ये 3 याद कर लो, ये नफ रहेंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट। तो देखो ऐसे फॉरेस्ट जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, इसको भी गवर्नमेंट ओन करती है, एंड ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कलेक्शन ऑफ टिम्बर, ग्रेजिंग ऑफ कैटल एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड इन दिस फॉरेस्ट। मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये सब अलाउड होता है कि आप फ्यूल लूट कर ले सकते हो, कैटल को चरा सकते हो, ग्रेजिंग करवा सकते हो वहाँ पर। ठीक है, ये सब करवा सकते हो। रिजर्व फॉरेस्ट में ये सब आप कुछ नहीं करा सकते, पूरी तरह से रिजर्व होता है, मतलब पूरा बंदी, उसके अंदर आप घुस भी नहीं सकते हो। ठीक है, उस तरह का फॉरेस्ट में तो वो गवर्नमेंट ओन करती है उसको। ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। इनको मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड। मैंने आपको बताया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं वो 1/3 होते हैं, और रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग हाफ होते हैं। ठीक है, जम्मू, अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएंगे इस तरह के फॉरेस्ट, उत्तराखंड में मिल जाएंगे इस तरह के फॉरेस्ट, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको लार्ज परसेंटेज में रिजर्व फॉरेस्ट मिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें से भी 3 याद कर लो जो भी आपका मन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बाद में एक सेक्टर लिख देना। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट अनक्लास फॉरेस्ट। तो अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है, दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली मैनेज्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड अगर बात करें तो वो गवर्नमेंट की एंटिटी होती है, और अनक्लास का मतलब, अनक्लास से नाम से पता चलता है अनक्लास, ठीक है, इसका मतलब प्राइवेट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कम्युनिटी दोनों इसको ओन करती है। ठीक है, एंड ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे सारा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब डैमेज देना नहीं यार, ठीक है, पेड़ काट के ले जा रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं एनिमल्स का, ये सब चीज़ नहीं। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जो छोटी जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो सब चीज़ें। ठीक है, कि आप जा सकते हो, अब जा सकते हो, बैठने का मन है बैठ सकते हो, ग्रेजिंग करवा सकते हो, फ्यूल वुड इकट्ठा कर सकते हो, कुछ फ्रूट्स खाना तो वो सब खा सकते हो। ठीक है, बट किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अब ये कहाँ पे मिलती है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है, ठीक है, असम हो गया, मणिपुर वगैरह, मिजोरम वगैरह, पार्ट्स ऑफ गुजरात, कुछ गुजरात के पार्ट में, वेस्टर्न साइड में हैव मोस्टली अनक्लास फॉरेस्ट जिसको लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट परमानेंट फॉरेस्ट। अब परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट को जब हम मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, वो हमेशा एक फॉरेस्ट रहेगा। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जाता, ना ही उसको उसमें कोई कुछ बिल्ड कर सकता है, गवर्नमेंट ओन्ड है। दीज फॉरेस्ट आर मेंटेन फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर। यहाँ पे टिम्बर प्रोड्यूस होता है, टिम्बर एक बहुत वैल्यूएबल वुड होता है, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए इसको, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे होता है क्योंकि ये रिजर्व होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने बताया।
मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, 75% टोटल फॉरेस्ट कवर का। 75% जो परमानेंट फॉरेस्ट है यानी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये चीज। सो ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे जम्मू कश्मीर का एरिया, यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है, ये गुजरात का एरिया, यहाँ पे आपको अनक्लास फॉरेस्ट देखने को मिलेगा इस एरिया में, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, इस एरिया में आपको अनक्लास फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के भी मैंने बात की, यहाँ पे आपको 75% आपको क्या मिलेगा? परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर राजस्थान है यार, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा। फिर बिहार का एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा फॉरेस्ट? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जगह पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये मैप मैंने इसलिए लिया था। सो नाउ विल टॉक अबाउट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, किस किस तरह की कम्युनिटीज होती हैं और कंजर्वेशन कैसे होता है उसके बारे में। देखो इन इंडिया फॉरेस्ट जो है बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का घर है, ठीक है। ट्रेडिशनल कम्युनिटी का मतलब है लोग, ठीक है, बेसिकली लोगों की बात। कम्युनिटी किसकी होती है? लोगों की होती है। तो कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग, उनको उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, ठीक है। जब नेचुरल फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है तो वो उनके जो पुअर रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। मैंने आपको बताया किस तरह से नुकसान पहुंचता है, ठीक है, फ्यूल वुड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जो एनिमल्स उनके रहने का सहारा है वो नहीं हो पाएगा, ग्रेजिंग नहीं करवा पाएंगे, कुछ बेच नहीं पाएंगे तो कमा नहीं पाएंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगा, फिर उनका जो जीवन है वो दिक्कत में आ जाता है। इस डिस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है? मैनी कम्युनिटीज हैव टेकन टू प्रोटेस्ट एंड अदर स्ट्रगल्स, ठीक है, और इस तरह से इस डिस्ट्रक्शन को देखते हुए, तो जाहिर सी बात है जब डिस्ट्रक्शन होगा तो कम्युनिटीज परेशान हो जाएंगी, तो वो प्रोटेस्ट करेंगी। तो इस तरह में हमें अगर हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं कि अभी तक में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, कि आप जो है उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एक चिपकू मूवमेंट आपने सुना होगा, बहुत फेमस मूवमेंट है, ठीक है, जो उसमें ट्रीज को हक कर लिया जा रहा था, ठीक है, ताकि जो बुलडोजर्स है वो ट्रीज को गिरा ना पाए, ठीक है, ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से ये क्या है? प्रोटेस्ट का तरीका है, ठीक है, अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने जो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोटेस्ट और स्ट्रगल अभी हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे इसको। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटी, यहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो विलेजर्स ने इसके खिलाफ लड़ाई की, ठीक है, लड़ाई मतलब प्रोटेस्ट किया। टेकिंग प्लेस नियर बाई साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मतलब की अंतर्गत, ठीक है, इस चीज के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया माइनिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट में, कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। तो ये एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सो इनहैबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, देखो राजस्थान के, यहां फिर से राजस्थान की बात की जा रही है, अलवर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे पांच विलेजेस यानी पांच गांव के जो लोग थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1200 एकड़ का जो फॉरेस्ट लैंड है, 1200 एकड़ का जो फॉरेस्ट लैंड है वो भैरवदेव डक ऑफ सेंचुरी मतलब सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी बन जाएगा, मतलब 1200 एकड़ का जो फॉरेस्ट लैंड है वो अब से भैरवदेव डक ऑफ सेंचुरी बन जाएगा, ठीक है। दे हैव डिक्लेयर्ड देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, बेसिकली देखो उन्होंने अपना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया कि इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, जहां पे हंटिंग अलाउड नहीं होगी, एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनरोचमेंट, मतलब कोई आउटसाइडर से वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्होंने इन पांचों विलेजों ने मतलब कि रूल बनाया, ठीक है, ये लोगों ने बोला कि हम देखेंगे ये फॉरेस्ट को, हम संभालेंगे जो एरिया है इसको, इसकी देखरेख हम करेंगे, और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग से हम उनको बचाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर एक और स्ट्रगल मैंने आपको बताया कि बहुत फेमस चिपकू मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? हिमालय एरिया में हुआ था, ठीक है। इट हैज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन, मैंने आपको बताया ट्रीज को ऐसे हक कर लिया जा रहा था, ठीक है। एज सोन दैट द कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्टेशन विथ इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल, ठीक है, मतलब बेसिकली ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट था, ठीक है, कि पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है। सो देखो ये ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी एट मुखाली नियर साइलेंट, देखो किस तरह से, देखो बैम्बू को सैपलिंग्स को यूज कर रही है, ठीक है, ट्राइबल जो लोग हैं उस तरह से। ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखो किस तरह से ये मंडी जो होती है, मंडी में आप देखोगे कि इस तरह से जो लेडीज होती हैं या फिर मेल होते हैं वो लोग ऐसे नीचे बैठ के
या फिर ठेले पे इस तरह से जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूसर्स है उसको बेचते हैं, ठीक है। जो फिर आयुर्वेदिक कई सारी चीज़ें फॉरेस्ट में देखने को मिलती है जो शहरों में नहीं अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को ये लेकर आते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। और मतलब इन्हें यार इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, इनको इनको फॉरेस्ट से ट्रैवल करना पड़ता है पहले मंडी तक, ठीक है, फिर वहाँ तक अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर उनको बेचते हैं। उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग इनसे करने करने की कोशिश करते हैं, पर इनकी मजबूरी होती है बेचना, इसलिए बहुत कम दामों पर बेच देते हैं इस चीज़ को। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि कभी मतलब इनकी भी प्रॉब्लम थोड़ा समझा करो, ठीक है। अगर आप बार्गेन अगर आप अफोर्डेबल अफोर्डेबल है आपके लिए तो प्लीज़ बार्गेन मत किया करो इन लोगों से यार, ठीक है। देख सकते हो इनको कड़ी धूप में किस तरह से मतलब फॉरेस्ट को कवर करना होता है, इनके पास सुविधा नहीं होती है यार, ठीक है। इनका जीवन बहुत मुश्किल से गुजरता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब सारी चीज़ें देखी हुई है। अगर आप भी कभी झारखंड विजिट करोगे तो आपको भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखी ये चीज़ें अपने आंखों से, इसलिए। तो अगर आप नहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते तो इनसे बार्गेन वगैरह मत किया करो, ठीक है। और इनके प्रोड्यूस जो होते हैं वो ये लोग फॉरेस्ट से लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा तो इस तरह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। देखो लीफ लिटर ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं, वुमेन ये लीफ वगैरह को कलेक्ट करके ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई थी। ना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जेएफएम की, ठीक है। बेसिकली जेएफएम प्रोग्राम जो हैव बिन लॉन्च बाई वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने जेएफएम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत विलेज कम्युनिटीज आर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज नियर बाय फॉरेस्ट। मतलब सपोज करो ये विलेज है जिसके आसपास जो कम्युनिटीज रह रही है, जेएफएम प्रोग्राम में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप लोग जो रह रहे हो आप लोग अब से इस फॉरेस्ट का देखरेख करोगे, आप लोग फॉरेस्ट को संभालोगे, ठीक है। और लेकिन फॉरेस्ट को संभालेंगे तो भैया क्यों संभालेंगे, फ्री में क्यों संभालेंगे, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है भैया फॉरेस्ट हम संभालेंगे, हम देखेंगे देखरेख करेंगे, हमारे जानवर है हमारे हमारी चीज़ें है तो। लेकिन बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करने जाए, हम क्यों टाइम दें इस चीज़ पर। तो इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स, ठीक है, लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड सक्सेस बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो आपने एक मूवी देखी होगी, अभी रिसेंटली वो मूवी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी, इट वाज अ वेरी फेमस मूवी, पुष्पा, राइट, पुष्पा पुष्पा। सो पुष्पा में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो वुड्स है उनकी स्मगलिंग होती है, ठीक है। तो वो वुड्स बेसिकली कौन से वुड्स थे, वो टिम्बर थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो मेंबर्स होती है, ठीक है, मेंबर इन इन कम्युनिटीज के जो मेंबर होंगे, जो आसपास के विलेजेस के जो कम्युनिटीज के मेंबर होंगे, उन लोगों को क्या मिलेगा, पहला जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुए, यानी जो फ्रूट्स हो गए फॉरेस्ट के, फल हो गए मतलब कि फ्लावर्स हो गए फॉरेस्ट के, और भी फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें यूजफुल मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट में, ठीक है। और जो भी टिम्बर, जब सक्सेसफुल प्रोटेक्शन टिम्बर का आप लोग कीजिएगा, आप लोग टिम्बर को बचाइएगा, जाहिर सी बात है आप लोग फॉरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करोगे तो टिम्बर जो अंदर में फॉरेस्ट के है वो प्रोटेक्ट होगा। तो जब टिम्बर को जब गवर्नमेंट जो है वो हार्वेस्ट करेगी तो उसमें से आपको कुछ शेयर मिलेगा, उसका कुछ जो पैसा होगा उसमें से आपको कुछ पैसा मिलेगा, दिया जाएगा, ठीक है। और जो पहली स्टेट जिसने ये स्टार्ट की थी वो उड़ीसा थी, और ये 1988 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये चीज़। नाउ सैक्रेड ग्रूव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, ठीक है। देखो नेचर ऑफ वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। देखते हो इंडिया में हम लोग क्या है ना, हम लोग बहुत यार बहुत धार्मिक टाइप के इंसान हैं, ठीक है, और हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कुछ कोई किसी भी चीज़ को देख लो, ठीक है, हम गंगा की पूजा करते हैं, ठीक है, गंगा को बहुत प्योर मानते हैं, ठीक है, हम सन की पूजा करते हैं, फिर हम फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम एनिमल्स की भी पूजा करते हैं। तो इस तरह से इंडिया में ना यार हम हर चीज़ की पूजा करते हैं जो हमें नेचर नेचर से प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो और ट्राइबल लोग तो नेचर ट्राइबल लोग तो फॉरेस्ट की जो जो पेड़ वगैरह होते हैं, प्लांट स्पीसीज होते हैं, उनकी तो और ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि वही उनकी जो पूरी सोर्स है, हर चीज़ उनको वहीं से मिलती है। इसलिए दीज आर प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट एंड सो एंड आर कॉल्ड सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। और इनके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेस्ट बचे बच गए हैं, इसलिए इनको सैक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल द मुंडास एंड संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन। देखो ये छोटा नागपुर रीजन जो है वो झारखंड का रीजन है, जैसा मैंने आपको बोला कि मैंने देखा है इन चीज़ों को। तो ये जो मुंडास जो है वो झारखंड के ट्राइब है, संथाल्स भी झारखंड की कम्युनिटी है, मुंडास झारखंड की कम्युनिटी है, ठीक है। वर्शिप महुआ,
झारखंड में एक बहुत फेमस पेड़ होता है महुआ का, ये आपको हर जगह वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको ये वर्शिप करते हैं, ठीक है। और महुआ के जो फूल होते हैं उनसे बहुत यूजफुल चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर एक कदम होता है, तो कदम की भी ये लोग पूजा करते हैं, कदम ट्रीज की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस तरह से ये लोग इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है, और काफ़ी चीज़ों और काफ़ी चीज़ों का सोर्स होता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करें ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा की, तो उड़ीसा और बिहार के अगर ट्राइबल की बात करते हैं, तो ये लोग टेमरिंड के जो पूजा पूजा करते हैं। टेमरिंड बेसिकली इमली का पेड़ होता है, ठीक है। जो इमली खट्टी सी होती है उसका जो पेड़ होता है उसको टेमरिंड ट्री बोलते हैं, इमली को टेमरिंड बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंगो, ठीक है, आम के पेड़ों की पूजा करते हैं वेडिंग्स के दौरान, जब शादियों का सीजन होता है उस टाइम पे। फिर पीपल और बनियान की ट्री तो पूरे भारत में हर जगह होती है, ठीक है, तो इनको तो हर जगह पूजा जाता है। फिर इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज, राजस्थान में एक बिश्नोई विलेज है, उसके आसपास में, ठीक है, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक यानी चिंकारा, ब्लैक बक यानी एनिमल है, सलमान खान पे जो केस हुआ था, वो हिरन मारने वाला, वो बेसिकली ब्लैक बक था, ठीक है, जिसको उसने शूट कर दिया था, ठीक है। चिंकारा, नीलगाय एंड पीकॉक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये पीकॉक जो वगैरह जो है, ये लोग बहुत इंटीग्रल पार्ट है उस कम्युनिटी के, और उनको बचाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये बिश्नोई विलेज का जो एरिया है उनके पास में, ठीक है, ये सब एनिमल्स, ठीक। तो इस तरह से सेक्रेट ग्रुप्स बनाता है, चीज़ों को सेक्रेट बनाया जाता है, उनकी पूजा वगैरह की जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, द कम्युनिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज डेवलपमेंट सोसाइटीज एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो, फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करना है यार, तो आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एक सुन ना भाई, आज जाके तू एक काम कर, तू जाके देख ले फॉरेस्ट में कुछ होते ना, या कल जाके तू देख ले, आज मैं देख के आता, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रॉपर कमेटी चाहिए होती है, प्रॉपर सोसाइटी चाहिए होती है, जो इस चीज़ पे ध्यान दे, ठीक है। जब भी आप कोई फेस्टिवल वगैरह देखते हो कि ऑर्गेनाइज होता है सोसाइटी वगैरह में, अगर आप रहते हो तो वहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर कमेटी बनती है, वो कमेटी उस चीज़ पर फोकस करती है। तो एक फोकस कमेटी होनी चाहिए, तो इस तरह से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाती है, डेवलपमेंट सोसाइटीज बनाई जाती है, ठीक है, एक्सेट्रा। दीज बॉडीज हैज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी दैट मैनेजेस डे टू डे अफेयर्स, मतलब हर दिन के काम को, फॉरेस्ट को, काम को देखती है लोग, ठीक है। इनका फोकस इस चीज़ पे होता है। द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट को सिर्फ उसी इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए, उन्हीं उसी इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर रखना चाहिए जो कि पीपल सेंट्रिक हो, मतलब लोगों के जो काम है वही उसी चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए जो लोगों के काम आए, ठीक है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो यानी एनवायरमेंट को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हो यानी कि इकोनॉमिकली उससे लोगों को फायदा हो, ठीक है। गवर्नमेंट को उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। सो हम लोग चेक पॉइंट थ्री पे आ गए गाइस, हमने चेक पॉइंट वन, चेक पॉइंट टू क्रॉस कर लिया, चेक पॉइंट थ्री पे आ चुके हैं। हम देखते हैं आपने कितना मेरे लेक्चर को समझाया और कितना आपने ध्यान दिया लेक्चर पर। सो अ न्यूली इनिशिएटेड प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड इन उड़ीसा इंक्लूड्स लोकल कम्युनिटी इन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज दैट प्रोग्राम? अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ा है, JFM, ठीक है, 1988 में स्टार्ट हुआ था ये चीज़ उड़ीसा में पहली बार। नेम द स्टेट विच वॉज फर्स्ट टू स्टार्ट द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन 1988, ठीक है। अभी यहीं पे इसका आंसर था उड़ीसा, ठीक है, यही होगा। सेकेंड, JFM स्टैंड फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहीं पे आंसर आ गया उसका भी, ठीक है। सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व बाय ट्राइबल ग्रुप्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, याद रखना। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है वैसे फॉरेस्ट जिनको काटा नहीं गया हो, ठीक है। तो इनको जो ट्राइबल ग्रुप प्रोटेक्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली गाइस, हमारा जो पूरा लेक्चर है वो यहाँ पे आके एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना अपने आंसर्स को जो मैंने कहा है, ताकि आप अगले वीडियो में फीचर हो सको। और बात की जाए हमारे आने वाले सेशंस की, तो मैं आपको उसकी एक डिटेल दे देता हूँ छोटी सी, कि हम आने वाले टाइम में MCQs की लाइव सीरीज लेकर आएंगे। जितने भी चैप्टर्स मैंने वन शॉट में कवर किए, हम उसकी MCQs उसमें कवर करेंगे, ठीक है। लाइव मैं और आप बैठ के प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक एक घंटे या डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास होने वाली है वो, ठीक है। तो इससे पहले कि वो MCQs की सीरीज स्टार्ट हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी अब 4-5 दिन का टाइम है, आप रिवाइज कर लो सारे चैप्टर्स को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हम मेरी वीडियोज़ की। मैं डेली वन शॉट की एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आपकी जो सिलेबस है वो एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। और एग्जाम में किस तरह से तैयारी करनी है,
बचे हुए टाइम को किस तरह से यूज करना है और एग्जाम में एसएसटी के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी है इसी चैनल पर, आप जाकर उसको भी चेक कर लो, ठीक है। उससे उसको अगर आप एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका स्कोर जो है वो 85 to 90 से जरूर ऊपर रहेगा, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 95 प्लस रहेगा, आई कैन गारंटी यू दिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।